गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग आईसीटी। हम लोग आईसीटी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ टीजीटी के लिए। तो आईसीटी की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म ही बता देती हूँ। है तो ये आपका कंप्यूटर ही है, लेकिन ये चंडीगढ़ और पंजाब के पेपर्स के लिए नया नाम दे दिया गया है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा आ जाती है जब हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उससे और आईसीटी में डिफरेंस यही जाता है कि आईसीटी में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें और जो आजकल कुछ लेटेस्ट चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो आजकल पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का कंप्यूटर वाला जैसे पुराने क्वेश्चंस आते थे वेरी सिंपल, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, डी रैम की फुल फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सब्जेक्ट एडवांस हो गया है, क्वेश्चन अच्छे पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ कि आईसीटी का क्या सिलेबस रहने वाला है। और आज 12 अप्रैल से आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो पहला टॉपिक जो आपका रहने वाला है दैट इज़ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यहाँ मैंने सिर्फ एक टॉपिक का नाम लिख दिया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इट डजेंट मीन कि आपका सिर्फ ये एक टॉपिक है, एक लाइन है या सिर्फ एक टॉपिक रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइसेस, उसके बाद अगर हम मेमोरी की बात भी करें तो ये भी बेसिक्स में ही आता है, फंडामेंटल्स में ही आता है। लेकिन मेमोरी के भी पार्ट्स हैं। मेमोरी में आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, थॉरली काम करेंगे यहाँ पर हम लोग। प्लस नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी में हम लोग प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे, ये सब डिस्क्राइब करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। प्लस प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट्स, ठीक है, रोम के भी जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, रैम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव, SSD, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD, DVD, BRD, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। प्लस मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर मैंने मेमोरी भी लिखा है तो मेमोरी के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी आ जाती है, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है मेमोरी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है जनरेशंस। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा है कि पहले हमारे पास क्वेश्चंस बनते थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, आज जनरेशंस को लेकर क्वेश्चन बनता है। और जनरेशंस टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है फंडामेंटल्स में। इसके बाद CPU, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंक्लूड करेगा और इसके भी सब टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे सिर्फ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इंटरनेट एंड मेल, ईमेल। छोटा सा टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल, लेकिन हमारे पास बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी अभी संडे को, पिछले संडे को आपका एग्जाम हुआ है NTT का, उसमें भी आपका क्वेश्चन रहा है यहाँ से, इंटरनेट के टॉपिक से, तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से भी। नेक्स्ट बात करते हैं MS Office। MS Office तो भाई ICT की जान है, ये मान लीजिए आप। अगर आप लोग कहीं पर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ICT सब्जेक्ट में है तो भाई MS Office इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मर्जी एग्ज़ाम दे दो, चाहे बैंकिंग का, चाहे SSC का, चाहे NTT का, कोई मर्जी एग्ज़ाम दे दो, अगर MS Office है टॉपिक तो डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का अगर आपका सब्जेक्ट ICT आ रहा है
तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपके कवर अप करेगा सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस, ठीक है। और आईसीटी के लिए अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर ऑफ मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का आईसीटी सब्जेक्ट चंडीगढ़ टीजीटी में पूछा जा रहा है। चलिए, तो एमएस ऑफिस के अंदर हम वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में ही जैसे हमारे पास टैब्स हैं ऊपर बहुत सारे, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, उन टैब्स के अंदर कुछ ग्रुप्स आते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये चीज़ें हम लोग वर्ड के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम्पल बात कर दूँ अगर आपको, कि आपसे पूछा जाए कि कट कॉपी पेस्ट कौन से ग्रुप में आता है, तो भाई ये आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, कौन से टैब में आता है, तो ये आता है होम टैब में। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस टैब्स, ग्रुप्स एंड ऑप्शंस को लेकर एमएस वर्ड में बनते हैं। और एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में क्वेश्चन ही फॉर्मूलाज के हैं। पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन अभी मैं आपको फिलहाल डिस्कस कर देती हूँ। अभी पिछले संडे एनटीटी के पेपर में आया था क्वेश्चन कि स्लाइड स्लाइड का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर आता है, कौन से टैब में आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट था, तो भाई इंसर्ट में पहले जाओगे, फिर उसके बाद स्लाइड को इंसर्ट करोगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को लेकर आपके बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग अच्छा खासा टॉपिक है, जिसके अंदर OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल और काफ़ी सारे सब टॉपिक्स उसके अंदर बनते हैं। टॉपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन मीडिया, ये काफ़ी टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस हमारे पास, अगर अभी फ़िलहाल जनवरी और फेब की बात करें तो हमारे पास JBT एजुकेटर और PGT का एग्ज़ाम हुआ था। PGT का जो हम कॉमन पेपर हुआ था, पेपर 1, उसकी बात करें, अभी अभी रिसेंटली हुआ एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन था, फिशिंग का क्वेश्चन था। तो इसीलिए क्वेश्चंस अच्छे खासे साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से भी बन जाते हैं। तो ये कुछ हम लोग सिलेबस कवर अप करने वाले हैं आईसीटी में, जो आपका ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का चंडीगढ़ टीजीटी में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगी, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आज ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आईसीटी का, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक एक्टिवेट होने के बाद, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप, थैंक यू सो मच।